दोस्तों मैं एक पावर बैंक लाया था जो कि इंडिया का बेस्ट पावर बैंक माना जाता है, जो एम्ब्रेन कंपनी का है, 10,000 mAh का, जो कि जानते हैं इस पावर बैंक का क्वालिटी इतना अच्छा है। इसमें देखिए टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड ओवर आउटपुट ओवर वोल्टेज रोटेशन एंड ड्यूरेबिलिटी बैटरी एंड प्रीमियम क्वालिटी बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर एडवांस फीचर ड्यूरेबल बॉडी एंड रीसेट मैकेनिज्म इनपुट ओवर वोल्टेज रोटेशन पोटेंशियल ओवर चार्ज एंड ओवर डिस्चार्ज एंड पोटेशन इंटेंशन एंड यहाँ पे लिखा है इसका मॉडल नंबर जो कि है P-1122। इस पावर बैंक का मॉडल है वो एक कलर है व्हाइट ब्लू और कोई कलर, तीन चार कलर है मगर मुझे अवेलेबल मिला एक ही मिला मुझे कलर जो कि अवेलेबल है फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया था और कोई दूसरी जगह पर आउट ऑफ स्टॉक है। आप देख लीजिए जहाँ मिल अच्छा प्राइस मिले मैं खरीद लेती। इसके प्राइस है 1800 रुपये, मेरे को 800 का अंदर पड़ा। और देखिए लिखा है नॉट चार्ज 100% बिफोर यूज, प्लीज चार्ज फुल चार्ज करके यूज करना। और इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एंड पोटेंशियल आउटपुट ओवर करंट ये भी है। ये बेस्ट पावर बैंक 10,000 mAh में क्यों कह रहा हूँ आगे देखिए। इसको पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग बात ये देखिए इसका केबल टाइप ए टू टाइप यू एस माइक्रो सी टेबल। और इसके बाद पावर बैंक अनबॉक्स करते हैं। उसके हटाते हैं साइड में, साइड में हटाते हैं। इसके अंदर यहाँ पर लिखा है मॉडल नंबर और आउटपुट करंट वोल्टर 5V 1.5A एंड आउटपुट इनपुट 5V 1.5A आउटपुट 5V 2.1A कैपेसिटी 10,000 mAh। इसमें क्यों कह रहा हूँ इसके बेहतरीन पावर बैंक देखिए। इसमें ये आज तक का अभी तक का जितने पावर बैंक मार्केट में आए हैं उनमें से कंपेयर करोगे तो इससे बेहतर पावर बैंक कोई नहीं मिलेगा 10,000 mAh 20,000 उसके ऊपर को, क्योंकि इसमें आपको देखिए 3 पोर्ट मिल जाता है, 3 USB पोर्ट जो 3x7 फीट चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करके भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। मैंने प्यार वन चार्ज हो सकता है ओके, आप डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं इसमें देखिए। और एक खास बात देखिए इसमें आपको देखिए मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, लाइट ऑफ कर देता हूँ। अब इसमें देखिए और क्या करते हैं, देखिए इसमें आपको क्या मिलता है। इसमें 3 का पावर बैंक होगा, उसके बाद आपको अगर टॉर्च मिलता है जो कि आपको बेहतरीन लाइट देता है, बेहतरीन लाइट देखिए किस तरह से लाइट दे रहा है जो कि बाहर लाइट पर काम करता है। आपको पढ़ाई करने में, स्टडी करने में या कुछ भी आपको नोट पर करने में, यहाँ पर नोट है जैसे नोट है अम्ब्रेन बैटरी का, यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है लाइट में सब दिखाई दे रहा है। और इसमें एक इसको आप कैसे टर्न ऑन कर टर्न ऑफ करें, इसको आप दबाई कर रखने पर आपको ऑफ ऑन हो जाएगा और उसको दबाई कर रखने पर ये ऑफ हो जाएगा, लॉन्ग प्रेस करना है। और इसे दिखाता हूँ किसे वार करता है। देखिए मैं अभी इसमें जियो फाइव को लगाता हूँ, देखिए जियो फाइव को लगाता हूँ देखिए कैसे अभी चलेगा। देखिए जो फोन ऑन हो गया और इसका इंडिकेटर है 4 इंडिकेटर, यहाँ पर लिखा है अभी 0 to 25% ब्लिंकिंग 1, ये चार्जिंग का इंडिकेटर है जो कि है ब्लिंकिंग करेगा 1 पे और 25 to 50% में आपको आपको ऑन LED 1 और 2 पे ब्लिंकिंग करेगा 50% 25 पे, थर्ड पे ब्लिंकिंग करेगा 75-100% ब्लिंकिंग 4 पे करेगा। और चार्जिंग एरर होने पर 1, 2, 3, 4 4 LED एक संग ब्लिंकिंग करेगा और डिस्चार्जिंग पे वो 70-100% में 4 ऑन रहेगा और 75-50% में
तीन ऑन और चार ऑफ, और 50% 25% में दो ऑन और दो ऑफ, और 25-20% में एक ऑन एलईडी और तीनों ऑफ। बिलो 10% में ब्लिकिंग वन होगा, वन एलईडी ब्लिकिंग होगा और तीनों ऑफ हो जाएगा। ओके, और उसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कहता है चलेगा कि उसी फास्ट चार्जिंग वेलकम 2.0 चार्जिंग यहाँ पर लिखा है कि तेरे चलेगा, मगर मैं चार्ज किया था स्लो चार्जिंग पे, जो कि ये चार्जर है JBL का, यहाँ पे एक स्लो चार्जिंग है दिया है।